तो गाइस यार आज गेम के अंदर एक न्यू चीज आई है। जैसे ही तुम इमोट के सेक्शन में जाओगे उसके सबसे नीचे जाने पे तुम्हें एक रैम्पेज इमोट मिलेगा। देखो बहुत ही बेमिसाल इमोट है, बहुत ही अच्छा एनिमेशन है, पर भाई देखो साइड में अभी इस पे लॉक लगा हुआ है, मतलब इस इमोट को तुम इक्विप नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी इमोट है दूसरे किसी भी इमोट पे ताला लगा हुआ नहीं है, बस ये इकलौता ऐसा इमोट है जिसपे की ताला लगा हुआ है। भगवान क्या जुलुम है, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। चलो गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये इमोट तुम्हें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और ये इमोट तुम्हें फ्री में मिलेगा या फिर तुम्हें इसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, सब कुछ बताऊंगा। यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यार आज गेम के अंदर एक न्यू चीज आई है। वॉल्ट में जाने के बाद तुम जैसे ही इमोट वाले सेक्शन में जाके सबसे नीचे जाते हो तो तुम्हें एक इमोट दिखता है जो कि अभी लॉक्ड है। देखो यार ये इमोट है अभी लॉक्ड है, तो मैं बताता हूँ कि यह लॉक कैसे होगी। इसके अलावा भी दो चीजें और है, अगर तुम बैकपैक में सबसे नीचे जाओगे तो तुम्हें यहाँ भी एक आइटम और लॉक्ड दिखेगा। ये देखो ये भी आइटम लॉक्ड है। इसके अलावा भी एक आइटम और है, तो तुम्हें लूट क्रेट वाले ऑप्शन पे जानी है और इसके सबसे नीचे में आओगे तो तुम्हें एक और आइटम लॉक्ड दिखेगा। इसके अलावा लूट क्रेट की कलर ऑटोमेटिकली चेंज होती है। देखो इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है, तो जब तुम गेम में भी खेलोगे तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता हुआ नजर आएगा, तो ये काफी बेहतर लगेगा देखने में। इसके अलावा बैकपैक की भी कलर ऑटोमेटिकली चेंज होती है, देखो कितना बेहतरीन लगता है। अब लेवल 2 पे देखते हैं कि लेवल 2 पे इसका कलर चेंज होता या नहीं। तो बैकपैक को मैंने लेवल 2 पे स्विच कर दिया, थोड़ा देर वेट करते हैं और देखो भाई साहब इसका भी कलर चेंज हो रहा है। यार काफी बेहतरीन लगता है जब इसकी कलर चेंज होती है तो। और लेवल 1 पे भी देख लेते हैं कि लेवल 1 पे ये अपने कलर को चेंज करता भी है या नहीं। भाई साहब इसका भी कलर चेंज हो रहा है, तो मतलब किसी भी लेवल का बैकपैक रखो तुम्हारी कलर चेंज होने वाली। अब जानते हैं कि आइटम तुम्हें मिलेगी कैसे। तो लाइक वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पे देखो हाइपर बुक कमिंग सून लिखा हुआ है, तो इसी इवेंट सेक्शन के अंदर तुम्हें सारी की सारी चीजें मिलेगी। और यार ये चीजें मिलेगी कैसे, तो आई मोस्ट प्रोबेबली कि इसके लिए तुम्हें डायमंड लगाना पड़ सकता है। यार फ्री में मिलने के बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि गरीना ने ऐसा पहली बार किया है कि कोई भी आइटम इवेंट में आने से पहले हमें वॉल्ट सेक्शन या फिर इमोट सेक्शन में देखने को मिला है। और भाई इतने रेयर रेयर चीज गेम में आने से पहले शोकेस करना आई डोंट थिंक कि ये लोग फ्री में देने वाले। तो यार इसके लिए मे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा गरीना डायमंड लूटने वाला और इस इवेंट में तुम्हें बहुत सारे डायमंड लगाने पड़ सकते हैं। सो यार इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल के घंटे को दबाकर ऑल पे सेट करना ताकि आने वाले फर्दर वीडियो तुम्हें मिलता रहे।